देश के अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में गांव बंद आंदोलन चौथे दिन भी शांतिपूर्वक जारी रहा। कई इलाकों में दूध और सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित रही। वहीं कई स्थानों पर सब्जियों की बिक्री सुरक्षा बलों की मौजूदगी में रही। मंदसौर में बीते वर्ष 6 जून को किसान आंदोलन के दौरान पुलिस गोलीबारी में 6 किसानों की मौत हो गई थी और एक की पुलिस पिटाई से मौत हुई। इस घटना के एक साल पूरे होने पर किसानों ने 10 दिवसीय गांव बंद आंदोलन का आयोजन किया है। इस आंदोलन में किसान गांव से सामान न तो शहर में ले जा रहे हैं और न ही शहर से सामान खरीद कर गाँव लाया जा रहा है। आम किसान यूनियन के प्रमुख केदार सिरोही ने बताया कि किसानों को इस आंदोलन का पूरा समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में किसान अपने गांव से बाहर नहीं निकल रहे। सरकार किसी तरह पुलिस के जरिए दबाव बनाकर दूध और सब्जियां गांव से शहरों तक पहुंचाने की कोशिश में लगी है। इसके बाद भी किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। मंदसौर सहित आसपास के जिलों में प्रशासन विशेष सख्ती बरत रहा है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। गांव में आने जाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। हर चौराहे और प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात है और गश्त भी की जा रही है।